हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विथ विशाल बिटकॉइन करेंटली अनस्टॉपेबल वे में यहां पे आगे चल रहा है टेलीग्राम पे मैंने एक पोस्ट किया था आप बताना आप भी उनमें थे या नहीं थे आप लोगों को भी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि रात में मोबाइल पे बस एक ही थोड़ी थोड़ी देर बाद जब भी नींद खुल रही थी यही काम था बिटकॉइन का प्राइस कहाँ पर पहुंचा बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है पॉजिटिव वे में पहले भी ऐसा मेरे साथ हुआ है पर वो तब था जब मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे जा रहा था तो क्या चल रहा है मार्केट में अभी क्या रीजन है बिटकॉइन के प्राइस में जो जिस तरीके से पंप आ रहा है 44,400 के लेवल को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करके आए हैं इसके अलावा एयर ड्रॉप एक है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो चल रही हैं अभी जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में अभी हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो थोड़ा अपना जो धैर्य है वो यहां पे बनाए रखिएगा तो सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे एक बार देखते हैं क्या चल रहा है तो अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3.5 परसेंट बढ़ गई हुई है 1.6 ट्रिलियन की मार्केट कैप अभी हो गई है वॉल्यूम 10 परसेंट यहां पे गिरा है इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है फियर एंड ग्रीडेक्स सेवेंटी टू ग्रीड में और हीट मैप हरा दिखाई दे रहा है पूरे का पूरा बिटकॉइन फोर पॉइंट सेवन जीरो परसेंट हमें जो रैली है वो यहां पे देखने को मिल रही है बिटकॉइन के बारे में बात करें तो कल ये पंप बिटकॉइन ने यहां पे लिया और अगर हम लोग देखें ना इसको अगर मैं डेली चार्ट में करूं तो ज्यादा टाइम हुआ नहीं है जब हम एक लेवल पे यहां पर स्टक कर रहे थे और अगर आप ये देखो तो ये एक दिसंबर की कैंडल है और आज छः तारीख यार पाँच दिन के अंदर ही अगर आप बिटकॉइन की बात करो तो बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे सोलह परसेंट का पंप देखने को मिला है और जो हमारा एक और बड़ा रेजिस्टेंस था वहां से अगर हम लोग देखें जहाँ पे हम अक्टूबर में थे वहां से अब तक बिटकॉइन अड़तीस परसेंट का यहाँ पे पंप दिखा दिया है अब कई लोग बात करते हैं यार देखो सपोर्ट और रजिस्टेंस कहाँ होते हैं क्रिप्टो में देखो बिल्कुल होते हैं यार एग्जैक्ट रजिस्टेंस पे जाके बिटकॉइन यहाँ पे अटका है और आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से बिटकॉइन काम करेगा अगर आप दो चीजें यहां पे जो मार्केट में सेंटिमेंट चल रही है अगर आप उनके हिसाब से मेरे को बोले क्या बिटकॉइन यहां पे रुकेगा नहीं बिटकॉइन नहीं रुकेगा अड़तालीस हजार जाने वाला है लेकिन आइडियली मार्केट कैसे चलता है हमने कल भी बात करी थी यहां पर कलेक्शन लेना चाहिए सपोर्ट कन्फर्म करना चाहिए और अगर वो हुआ तो आपको ऑल्ट ऑल्डकॉइंस में जबरदस्त वाली जो एक रैली है वो यहां पर देखने को मिल सकती है जब वीडियो में बना लो बिटकॉइन का करेंट प्राइस है फोर्टी थ्री सेवन ट्वेंटी नाइन तो अब देखेंगे पे है, तो कर रहे हैं हम लोग एक लेवल को तोड़ रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा टाइम उस लेवल पे एक दिन बिता रहे हैं। फिर पम्प फिर अगला एक दिन वहां पे फिर पम्प फिर अगला एक दिन वहां पे तो अगर इस थ्योरी के हिसाब से चले तो आज हम लोग हो सकता है इसी एरिया पे रहे और फिर अगर हम पंप यहां से ले सकते हैं अगर बिटकॉइन को ऊपर की तरफ जाना है और अगर कर करेक्शन लेना है तो फिर वो सारी चीजें कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो आप वहां पर जाके देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर माइक्रोस्ट्रेटेजी का अनरियलाइज प्रॉफिट टू बिलियन डॉलर यहां पे हो गया हुआ है और बिटकॉइन ने एक और बड़ा काम किया है फेसबुक यानी मेटा को यहां के फ्लिप किया है और करंटली बिटकॉइन नाइन्थ पोजीशन पे चल रहा है दुनिया के जो एसेट्स हैं उनमें मार्केट कैप में और इसके बाद बहुत सारी कंपनी लाइन लगा के यहाँ पे खड़ी हुई है जिसको बिटकॉइन पे आने वाले टाइम में तोड़ेगा इसके अलावा अगर आप लिक्विडेशन की बात करेंगे वो भी यहाँ पे हो रहा है अगर पिछले एक घंटे की बात करते हैं आप तो 1.95 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ है चार घंटे की बात करते हैं तो नाइनटीन मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ है लेकिन जिस स्पीड से बिटकॉइन पंप कर रहा है ना उस स्पीड से जितना लिक्विडेशन होना चाहिए ना वो लिक्विडेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला आइडियली ये लिक्विडेशन बहुत बड़ा होना चाहिए था पर वो नहीं है एक और चीज जो अभी भी मेरे को सरप्राइज कर दी है यहाँ पे वो है फंडिंग रेट अभी भी रेड दिख रहे हैं मतलब इतना पंप होने के बाद भी मार्केट को शॉर्ट नहीं किया जा रहा है लॉन्ग ही किया जा रहा है यहाँ पे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि किस तरीके से आने वाले टाइम में वो चीज जो है प्ले यहाँ पे करती है अब बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे बिटकॉइन के जो पंप है उसके पीछे के रीजन का तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कतर के बारे में अब वो थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि कई लोग ना वो चीज को वहां पे समझे नहीं है तो उसके लिए मैं काम करता हूं यहाँ पे कोआइन मार्केट कैप लेके आता हूँ अब आप समझिएगा बिटकॉइन का जो करंट मार्केट कैप है वो 854 बिलियन डॉलर का है 854 बिलियन डॉलर अब जो अपडेट है वो ये है कि कतर अकेले 500 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के बारे में बात कर रहा है कल जब हमने बात करी थी तो ये खाली एक अपडेट थी पर इसको अब कई सारे सोर्स ऐसे हैं जो कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्ले कर रहा है मार्केट के ऊपर जाने के लिए और कतर ने अभी तक नहीं बोला है यहाँ पे कि नहीं भाई ऐसी हवा हवाई कहानियाँ चल रही हम इसको डिनाई नहीं कर रहे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आप समझिए पाँच बिलियन डॉलर अगर बिटकॉइन को ख़रीदा गया तो ये प्राइस इसका कहाँ पर चला जाएगा दूसरी ब्लैक रॉक के बारे में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं सबसे एक बड़ी और बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या आ, क्या जरूरत थी इस चीज़ की तो अब यह अपडेट आया है कि ब्लैक रॉक को एक लाख डॉलर की सीट फंड मिला है बिटकॉइन ई के लिए देखो दो चीज़ें हैं इसमें पहली चीज़ ये है कि एक लाख डॉलर की ब्लैक रॉक को क्या जरूरत पड़ गई एक लाख डॉलर कुछ भी नहीं होता इंडिया में भी बात करें तो अस्सी नब्बे लाख रुपए होता है तो और ब्लैक रॉक के लिए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे ये मतलब अगर आपकी जेब से ना पांच दस रुपए गिर जाए ना तो जो आपका रिएक्शन होगा वो ब्लैक पांच दस रुपये भी शायद ज्यादा होगा एक आध रुपये आपकी जेब से गिरने पे जो होगा ना वो ब्लैक रॉक के लिए यहां पे एक लाख डॉलर है क्यों जरूरत पड़ी ये नहीं पता दूसरी चीज ये इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव चीज कि ये सब चीजें चल रही है सीट फंड ये सब चल रहा है यहां पे अगर ये सब चल रहा है इसका मतलब चीजें क्लियर हो गई हैं पीछे से पता है हाँ ईटीएफ अप्रूव होना है यहां पे तो वो सारी की सारी चीजें यहां पे पॉजिटिव कर दी और जिसकी वजह से बिटकॉइन एक अलग जगह पे जाता हुआ दिख रहा है और इसके बाद एक और जो अपडेट यहां पे आया वो ये आया अब ये ना रूमर्स कुछ चल रहे हैं मार्केट में वो मैं आपको बता रहा हूं क्या चल रहे हैं देखो एक रूमर ये चल रहा है यहाँ पे कि ब्लैक रॉक ऑलरेडी बिटकॉइन को जब बिटकॉइन नीचे था वो टाइम पे बाय कर चुका है प्राइवेट ट्रस्ट जिसे क्वाइन के साथ दो में लॉन्च किया गया था वहां से बार बार ब्लैक रॉक जब मार्केट डिप में था उसको बाय वहां से ऑलरेडी कर रहा था तो अब ऐसा नहीं है कि ब्लैक रॉक नई बाइंग यहां पे एज ऑफ नाउ करने वाला है क्योंकि पुरानी उसके पास बाइंग है यहां पे अगर ये थ्योरी चलेगी तो मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर चीजें आएंगी और मार्केट नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे दूसरी ये थ्योरी है कि भाई ब्लैक रॉक ने जब अपना ईटीएफ अनाउंस किया है यहाँ पे इतना बड़ा फंड मैनेजर अगर अपना ईटीएफ लेके आ रहा है तो मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगा क्योंकि उसकी इमेज के लिए खराब होगा भाई बिटकॉइन अगर चालीस हज़ार यहाँ पे पैंतालीस हजार से अगर कल को बीस हज़ार पच्चीस हज़ार डॉलर चला गया तो भाई उसकी इमेज खराब हो जाएगी कि आप कैसा ई लेके आने वाले हो कैसे एसेट के लिए जो इतना गिर रहा है यहाँ पे तो दो अलग अलग चीज़ें तरीके की चीज़ें जो मार्केट में यहाँ पे चल रही है और इन सब का इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे पंप जो है लेता जा रहा है अब एक बार बात कर लेते हैं एयर ड्रॉप के बारे में क्या है वो एयर ड्रॉप तो मैंने ऑलरेडी ना कल एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ था इसका मैं यहाँ पे उसको ऐड एड करना वो एक बार आप देख लीजिए फिर हम लोग चलते हैं आगे के अपडेट्स पे तो यहाँ पे एयर ड्रॉप के लिए आपको क्या करना है गेट डॉट आयो के जो स्टार्टअप का पेज है वहाँ पर आना है लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा और अगर गेट डॉट आयो पे अकाउंट ही नहीं बनाया है तो उसका भी मैं आप लोगों को मेरा एफिलेट लिंक दे दूँगा वहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं बिना एफिलेट लिंक के भी बना सकते हैं पर अगर आप मेरे एफिलेट लिंक से बनाएंगे तो आपका यूआईडी मुझे मिल जाएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है यहाँ पे तो आप मुझे एक बार कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी पे तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का इश्यू कुछ रिजॉल्व कर सकूँ अभी अगर आप देखेंगे पाँच इनके एयर ड्रॉप चल रहे हैं जिसमें से एक स्टार्ट हो गया है चार होने वाले हैं तो जो एयर ड्रॉप आप यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट वाला पोमेरियम का ये मैं आपको क्लेम करके दिखा रहा हूँ हो सकता है जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो टाइम पे ये एयर ड्रॉप कंप्लीट हो चुका हो खत्म हो चुका हो बाकी के एयर ड्रॉप चल रहे होंगे प्रोसेस यही है लविता ए का है निज़ा ग्लोबल का है जो एक दिन बाद यहाँ पे आने वाला है तो आपको क्या करना है जो ये क्लेम फ्री एयर ड्रॉप का बटन है इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाएगी क्या कंडीशन मिल गई भाई पहले तो अकाउंट होना चाहिए गेट ड्रॉट पर कैसे बनाना है मैंने लिंक बता दिया आपको दूसरी चीज आपके पास दस डॉलर की होल्डिंग होनी चाहिए स्पॉट में इसके बाद ये जो जीरो फ्री टू क्लेम का बटन है इस पर क्लिक करना है और क्लेम और, और जितने वीआईपी मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए बाकी आप अपग्रेड नाव पे जाके अगर वीआईपी लेवल को चेंज भी करना है तो आप यहां पे कर सकते हो तो इधर चलेंगे और मैंने क्या करा है? एक अकाउंट बना दिया हुआ है यहां पे जहां से जब भी एयर ड्रॉप आएंगे वहां से हम लोग लेते रहेंगे तो फंड यहाँ पे मेरे पास पंद्रह डॉलर का कुछ फंड पड़ा हुआ था यहाँ पे इधर हम बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से हम लोग करेंगे क्लेम नाव के बटन पे क्लिक तो इसने बोल दिया कि जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया हुआ है पार्टिसिपेट हम लोगों ने इसमें कर लिया है इसके बाद हमारे पास परचेज हिस्ट्री होगी जहाँ पर जाके हम अपनी डिटेल्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं बैक करते हैं एक बार और ये आ गई परचेज हिस्ट्री परचेज हिस्ट्री में जाएंगे आप तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना मिलता है क्या होता है वो मैं आप लोगों को आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर बता दूंगा अगेन जितना ज़्यादा फ़ंड होगा चीज़ें रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट जो है आपको यहाँ पर मिलेगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ लग तो आपका रहा नहीं है यहाँ पर तो आई गेस अच्छी चीज़ है ट्राई एक बार आप यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं लिंक अगेन आपको गेट डॉट टाइव का वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इसके बाद आगे अगर हम चलो चलते हैं इन द ब्लॉक में तो यहाँ पे एक और चीज़ है जो एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्लो जो है ना उसमें अभी भी कोई ऐसा बिटकॉइन का प्राइस पंप होने के बाद भी कोई ऐसा मूवमेंट यहाँ पे होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है जैसे 21 तारीख को आपको देखने को मिला था ऐसा कोई यहाँ पे मूव देखने को नहीं मिल रहा है जो आइडियली आना चाहिए यहाँ पे एक नेट फ्लो में भी एक बड़ा चेंज होना चाहिए जब इतनी बाइंग यहाँ पे हो रही है जो फिलहाल के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ वेल्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे यहां पे इंटरेस्टिंग डेटा है अब एक वेल है जिसने पांच तारीख को जबरदस्त तरीके से यहां पे बाइंग करी और आप प्राइस देखो 41,000 पे 41,791 पे बाई करी है 41,759 पे बाई करी है 43,554 पे बाई करी है और अगर आप देखो 763, 963 2, BTC टी बाय करा जा रहा है अब ये कौन है जो इस हाई प्राइस पे इतने पे भी बाय कर रहा है ये अलग मार्केट में एक जो अलग ही जो रूमर्स है इस चीज पे फैल रहे हैं कोई इसको ब्लैक रॉक का नाम दे रहा है कोई बोल रहा है नहीं कतर ने बाय करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया पता नहीं एज ऑफ नाउ कौन है ये वेल यहाँ पे इसके अलावा जो बड़ी वेल्स हैं उनमें भी अगर आप देखोगे एक और एड्रेस है ये वो एड्रेस है जिसको हम लोगों ने पहले भी बात करी थी इसको बिटकॉइन के प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है अगर आप देखो तो छत्तीस हजार से छत्तीस भी क्या सॉरी नीचे भी है हर एक जगह पे जब बिटकॉइन जा रहा है ये उसको बाय करे जा रहा है करता ही जा रहा है करता ही जा रहा है 43 43 43 43 43 पे ही अगर आप देखो तो कल के आज तीन आज चार बार बाय करा है कल के दिन में अगर आप देखो तो वहां भी पांच बार बाय करा है इसके अलावा जो टॉप हंड्रेड वेल्स हैं उन सब की जो बाइंग है वो यहां पे स्टार्ट हो गई हुई है एक बार मैं पेज रीलोड कर लेता हूँ कई बार ये वेबसाइट थोड़ा सा ओपन नहीं होती है तो अगर आप देखो ना तो जो भी बड़ी वेल्स है ना वो सब यहाँ पे उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी अगर आप देखो तो आठ आठवें बंद के बाद अब इन, इस वेल ने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दी और कुछ ऐसा ही एक और भी बड़ी वेल है यहाँ पे पेज हमारा लोड हो रहा है एक बार इसको रीलोड कर देते हैं वेट कर लेते हैं चलो जब पेज खुलेगा तब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली चीज एक और और वो है यहाँ पे टी के बारे में कई लोगों के क्वेश्चन है कि टी अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने तब टिया के बारे में बात करी थी जब ये करीब पांच डॉलर के नियर अबाउट था और वहां से अगर आप देखोगे इसको तो साढ़े ग्यारह डॉलर के करीब ये गया है यहाँ पे तो अब कई लोगों के क्वेश्चन है भाई क्या करें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें ना करें देखो अब आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सोचना पड़ेगा मैं मेरा प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ देखो मैं हमेशा लंबे टाइम पे चलता हूं अब इसमें फायदा भी है नुकसान भी है मैं नॉर्मली इस तरीके से प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ कई लोग क्या करते हैं प्रॉफिट बुक करते हैं मार्केट नीचे आते हैं फिर खरीद लेते हैं पर मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ मेरा मानना है खरीद जब मैं खरीद रहा हूँ तो उसको मैं खरीद के लंबे टाइम के लिए होल्ड करूंगा अब इसका मुझे कई बार नुकसान हुआ कई बार फायदा हुआ सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिटकॉइन आज तक मेरे पास पड़े हैं सालों से खरीदे हुए बिटकॉइन आज तक इसलिए निकाले नहीं आज भी वो पड़े हुए हैं यहाँ पे अब आपको क्या कॉल लेनी है वो आप सोच सकते हो अगर आपके पास लिक्विडिटी है पकड़े पड़े पर, जिस प्राइस पे पड़ा है पड़े तो पर अगर लिक्विडिटी नहीं है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो लिक्विडिटी निकाल लो उसको तो कहीं और मूव कर लो आपका अपना कॉल है आप जैसे लेना चाहे आप यहाँ पे ले सकते हो अगली एक और चीज है यहाँ पे और वो है एप्टॉस के बारे में ये मेरा पेज पता नहीं क्यों वो रिलोड नहीं हो रहा है ओके तो एपटॉस के बारे में एपटॉस को मैं इसलिए आज के वीडियो में ऐड कर दू क्योंकि एपटॉस के प्राइस में हमें कोई पंप देखने को नहीं मिला है अभी तक बाकी ऑल्ट क्वाइंस में अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट हो रहे हैं पर एपटॉस में पिछले सात दिन में सिर्फ आठ का पंप और पिछले अगर आप एक महीने की बात करते हैं तो सिर्फ दस का पंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है एपटॉस में तो थोड़ा एप्टॉस की तरफ अपना ध्यान आप बनाए रखिएगा प्राइस कभी भी रैली ले सकता है क्योंकि जो प्रोजेक्ट शांत है जिस हिसाब से बिटकॉइन बढ़ रहा है अगर उस हिसाब से बिटकॉइन कंटिन्यूस बढ़ा तो ये जो प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक शांत है ये वहां पे फट सकते हैं तो थोड़ा इस पर भी आप अपनी जो नजर है वो बनाए रखें ये वो वेल्स थी जिसके बारे में आपको बोला था तो अगेन इसका भी चल रहा है कि ये भी बाइंग इसकी चल रही है यहाँ पे सिक्स ट्वेंटी इसने बाय करें और ये बड़ी बड़ी वेल्स है जिनके पास थोक के भाव जो है बिटकॉइन यहाँ पे पड़े हुए हैं और अभी भी ये उसको खरीद रहे हैं यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं अगले बुल रन का जब मार्केट में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट होगा तब ये वहां पे सेल आउट जो है उसको करेंगे तो ये सब चीजें सारे के सारे जो फैक्टर है यह मिलकर एज ऑफ नाउ बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ पे रैली लेके जा रहे हैं और बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल कोई करेक्शन लेने के मूड में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आइडियली इस जगह से भी हमें करेक्शन लेना चाहिए था और जहां पर बिटकॉइन है वहां से भी लेना चाहिए पर एज ऑफ नाउ बिटकॉइन का कोई मूड जो है करेक्शन का यहां पे नहीं लग रहा तो ये थी गई चीजें जो अभी तक चल रही है मार्केट में इसके अलावा अगर कुछ और दिन भर में बात हुई जो मुझे लगा आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट है डिस्कस करनी है तो वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जो ज्वाइन किया लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप लोगों का क्या ओपिनियन है जो चीजें हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस करी वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा चैनल में अगर अपना ही फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू फ्रेंड्स